सर आप एक मिनट। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं कुशेत्रा डीसी कार्यालय से सीधा लाइव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जो भूख हड़ताल शिक्षा बचाओ अभियान का भूख हड़ताल शुरू हुई है, कब तक रहेगी ये सर? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे और भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। कौन कौन से स्कूल के अध्यापक यहाँ पहुँचे? ये लगभग पूरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के जो है स्कूलों के अध्यापक यहाँ पे हैं, उसमें सारे ही स्कूल हैं। मैं विशेष नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सारे स्कूल हैं। महालक्ष्मी स्कूल है, विवेकानंद स्कूल है, नेहरू स्कूल है। फेडरेशन की तरफ से भी नमस्कार सर। तो सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका कहना है कि अगर हमारी बसें खड़ी हैं, अगर हमारी बस मेरी आप पूरी सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपकी सुनूंगा। आपका कहना है कि हमारी बसें खड़ी हैं तो उनका जो है इंश्योरेंस हमारे पे पड़ रहा है, टैक्स पड़ रहा है। उस समय जब टीचर जो पेरेंट्स आपके पास पहुंचते हैं वो कहते हैं बच्चे हमारे घर पे हैं, और उसके बाद फिर भी उनसे फीसें मांगी जाती हैं, उसका क्या आंसर है? ऐसे एनुअल चार्जेस मांगे जाते हैं, बच्चा अपने घर पे है लेकिन उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, उसका क्या? दो दिन पहले यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर रश हुआ हुआ था। अभिभावक भी अभी इस बात को समझ रहे हैं, हम जैसे वीडियोज जगह जगह से आ रही हैं और देख रहे हैं कि अभिभावक भी अब चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाएं। एक साल लगभग 22 मार्च से अब तक कोरोना काल रहा, जिसको हम सभी स्कूलों ने बहुत ही मुश्किल पीरियड से जो काटा, क्योंकि जो सभी स्कूलों की जो फाइनेंशियल स्थिति होती है एक जैसी नहीं होती, उसमें कुछ स्कूल होते हैं अच्छी फाइनेंशियल स्थिति वाले हैं, कुछ ये जितने स्कूलों के आज हेड बैठे हैं, अभी सिर्फ ये हेड हैं, इसके बाद स्टाफ आएगा, इसके बाद बच्चों को भी लेकर बैठना पड़ा, तो हम सब बच्चों को भी लेकर बैठेंगे। पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। पेरेंट्स को सिर्फ फीस से इतराज था, जितने भी ये स्कूल हैं इन्होंने फीस की भी एडजस्टमेंट की है, किसी ने 3 महीने की माफ की है, किसी ने 2 महीने की माफ की है, किसी ने राउंड फिगर लिया है कोरोना काल में। मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा ये विद्यालय है जिनके यहाँ हेड्स बैठे हैं कि पूरी फीस के लिए पेरेंट्स को प्रेशराइज किए। गिनती के नाम मात्र 4-5 स्कूल हैं जिनके नाम उस वीडियोस में मैंने देखे हैं, अगर उनमें ऐसा हुआ है तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे अभिभावकों के साथ वो भी कोऑपरेट करें, ताकि अभिभावक भी इस मंच पे हमारे साथ आएं, क्योंकि वो भी परेशान हैं कि बच्चों में जो शिक्षा का स्तर इस साल में, इन 2 सालों में इतना गिर गया है कि अगर कोई बच्चा KG का